मेरा नाम सदाशिव यादव बेगाना प्रतापगढ़ी है। मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले का रहने वाला हूं और जामिया मिल्लिया इस्लामिया में पोस्टमैन हूं। आप सबको प्रणाम करते हुए मैं अपनी चंद पंक्तियाँ आप सबके सामने पेश करने की इजाज़त चाहता हूं। पेश हैं आप लोगों के सामने चंद पंक्तियाँ। गांव की गलियां बचपन की यादें लेकर साथ मैं आया हूँ। गांव की गलियां बचपन की यादें लेकर साथ मैं आया हूँ। माँ की ममता पिता का दामन इसने बड़ों का पाया हूँ। माँ की ममता पिता का दामन इसने बड़ों का पाया हूँ। घुटनों के बल चलते थे हाथों में नवनीत लिए। घुटनों के बल चलते थे हाथों में नवनीत लिए। जिसके दिल में है नफरत बस उसे मिटाने आया हूँ। बस उसे मिटाने आया हूँ। ढूंढ रही हैं मेरी निगाहें बचपन के उस दिलबर को। ढूंढ रही हैं मेरी निगाहें बचपन के उस दिलबर को। जिसने मुझको राह दिखाया ढूंढ रही उस रहबर को। जिसने मुझको राह दिखाया ढूंढ रही उस रहबर को। नैना तरसे निस दिन बरसे ना जाने यार कहाँ होगा। नैना तरसे निस दिन बरसे ना जाने यार कहाँ होगा। बेगाना दीवाना कहता याद नहीं उस दिलबर को। बेगाना दीवाना कहता याद नहीं उस दिलबर को। याद नहीं उस दिलबर को। चार पंक्तियाँ प्यार की जो एक अजूब निशानी अजूबा कहा जाता है। ताजमहल पर चार पंक्तियाँ आप लोगों के सामने कि ऐसा दूजा नहीं अजूबा ये फितरत है ताज की। ऐसा दूजा नहीं अजूबा ये फितरत है ताज की। ऐसा दूजा नहीं अजूबा ये फितरत है ताज की। चार मीनारें देख रही हैं सुंदरता मुमताज की। चार मीनारें देख रही हैं सुंदरता मुमताज की। सुंदरता मुमताज की। आजकल जो मुद्दा छिड़ा हुआ है मंदिर मस्जिद का उस पर मैं हकीकत जो है उसको बयां करने की चार पंक्तियाँ आप लोगों के सामने पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। कोई मंदिर की बात करता कोई मस्जिद की बात करता है। कोई मंदिर की बात करता है कोई मस्जिद की बात करता है। कोई मंदिर की बात करता है कोई मस्जिद की बात करता है। भूख से मर रहे हैं बेचारे। भूख से मर रहे हैं बेचारे। वो तो उल्फत की बात करता है। वो तो उल्फत की बात करता है। भूख से मर रहे हैं बेचारे। वो तो उल्फत की बात करता है।
कोई मंदिर की बात करता है, कोई मस्जिद की बात करता है। और चार पंक्तियां आप लोगों के सामने। होंठ में हम बहुत चोट खाए, होंठ में हम बहुत चोट खाए, खून की नदियाँ भी बहाए, खून की नदियाँ भी बहाए। होंठ में हम बहुत चोट खाए, खून की नदियाँ भी बहाए, खून की नदियाँ भी बहाए। अब मुझे ये लगता गंवारा, अब मुझे ये लगता गंवारा, चाल उनकी समझ न पाए, चाल उनकी समझ न पाए। और अंत में सारासत की पूरी टीम और आदरणीय सिद्दीकी साहब को मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हम जैसे नवोदित कलाकारों के लिए इन्होंने एक सुंदर और सुनहरा प्लेटफार्म प्रदान किया है, इसको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं।